मेरे हाथ में एक जियो का मोबाइल है जिसका मॉडल नंबर है F101K ब्लैक, और इसका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होता है, ये पूरा ऑन होता नहीं है कभी। तो देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। ये ऑन हुआ है लेकिन बार बार ऑन होगा और ऑफ होगा, बार बार ऑन होगा और ऑफ होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या इसका प्रॉब्लम। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये ऑन हो रहा है अभी, देख लीजिए। देख लिया, ये ऑन होता ही नहीं है, बार बार जियो का लोगो आता है और चला जाता है, फिर से वही होता है। तो आइए इसको ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए इसका एक बार आप स्विच ऑफ कर लीजिए, नहीं तो बैटरी रिमूव करके फिर से इंसर्ट कर दीजिए, और उसके बाद कीबोर्ड के वन को, इसको वन और पावर की, इस दोनों को एक साथ में प्रेस करके रखना है जब तक जियो का लोगो यहाँ पे आ जाए तब तक, और उसके बाद छोड़ देना है। मैं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, वन और पावर एक साथ में। अब छोड़ दीजिए। अभी आ गया है, अब इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जाना कहाँ है आपको, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसमें देख लीजिए, नीचे वाला दोस्तों, ये वाला वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, इसमें जाने के बाद पावर की को एक बार दबाना है, और उसके बाद एक बार नीचे जाना है, ठीक है, और उसके बाद पावर की फिर से एक बार दबाना है। और पावर की फिर से एक बार दबा के मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। अभी देखते हैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। और दोस्तों, मेरे चैनल में आपको मोबाइल के सभी रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और 100% ओजी सॉल्यूशन मिलेगा। मेरे चैनल में कोई भी वीडियो फेक नहीं है, आप प्रैक्टिकल में इसको चेक कर सकते हैं, मैं कोई फेक वीडियो डालता नहीं, इसीलिए कहता हूँ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जाके आपका काम में आएगा कभी भी। देख लीजिए, ये मोबाइल रीसेट करने से भी ठीक नहीं हुआ, तो आइए इसको ठीक करने की और एक तरीका है, इसको फुल फ्लैश कर देते हैं। फुल फ्लैश करने के लिए आपको इसका सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर का लिंक, अरे ये तो ऑन हो गया दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैंने सोचा नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, टाइम बच गया मेरा। अभी यहाँ पे इंग्लिश में मेरा डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, फिर से एक्सेप्ट कर देता हूँ।
एक्सेप्ट कर देता हूँ। देख लीजिए मोबाइल ठीक हो गया है। मैंने सोचा कि इसको हार्ड रीसेट करने से ठीक नहीं होगा, इसीलिए इसको फ्लैश करने के लिए बोला था। कोई बात नहीं, फिर भी मैं फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस प्रोसेस से आपका मोबाइल ठीक नहीं हुआ तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके फ्लैश फाइल को डाउनलोड करना कर लेना, और उसी फाइल में आपको इस मोबाइल का ड्राइवर और फ्लैश टूल मिल जाएगा। उसको ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना और उसके बाद फ्लैश टूल को ओपन करके फ्लैश फाइल सिलेक्ट करके फ्लैश करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा शायद। फिलहाल तो यह हार्ड रीसेट में हो गया है। ठीक है गाइस, अगर मेरे इस छोटा सा कोशिश को आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।